नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, इस पर हमने आप सभी के लिए कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं और इन लेक्चर्स के माध्यम से हमने आपके लिए सीबीसीएस कोर पेपर 1 को शामिल करने की कोशिश की है। हम यही चाहते हैं कि आप जो भी अपनी क्लासरूम्स में पढ़ते हैं वही सामग्री हम आपको उपलब्ध कराएँ, जिससे आपके लिए पढ़ना हो जाए और भी ज़्यादा आसान। बताना चाहेंगे कि अपने पिछले कुछ सेशंस में हमने कालिदास की रघुवंशम, इस पर विशेष रूप से चर्चा की। आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि हम इस जो प्रक्रिया है, ये जो श्रृंखला है, इसको आगे बढ़ाएं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। बताना चाहेंगे आज भी हम रघुवंशम पर ही चर्चा करेंगे और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आइए इनका हम स्वागत करते हैं और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर कांता भाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने रघुवंश पर चर्चा की है और जैसा कि आपको पहले मैंने विस्तार से बताया था कि सीबीसीएस के पाठ्यक्रम में हमारे 14 पेपर हैं जो ऑनर्स में हैं, उनमें से ये पहला पेपर है जो संस्कृत लिटरेचर के नाम से है और पोइट्री है। और इस सेमेस्टर में हमने केवल एक नहीं, चार चार जो हैं उनमें किताबें रखी हुई हैं और चार चार में से भी जो एक चयनित पाठ्यक्रम है, तो उसमें सबसे पहला है कालिदास का रघुवंश। और कालिदास के रघुवंश के प्रथम सर्ग के 1 से 25 श्लोक हमने इस पाठ्यक्रम में रखे हैं और जिनमें से मैं 1 से 18 श्लोक के विषय में आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ पहले। अब मैं आपके सामने श्लोक 19 से 25 के बीच में कालिदास ने रघुवंश में क्या कहा है उस विषय पर आपको जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए मित्रों, हम ये कहते हैं कि कालिदास ऐसे कवि हैं जो कि सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष तथ्य होगा। ऐसे ही कोई किसी के विषय में नहीं कहा जाता कि ये कवि जो है वो सार्वकालिक या सार्वभौमिक है। अब सार्वभौमिक का मतलब है कि वो न केवल अपने ही भूमि पर या अपने ही देश में, अपितु पूरे विश्व में उनका जो काव्य है वो उनका समसामयिक है। इसी प्रकार से जो उनका सार्वकालिक का मतलब है कि उस समय जिस समय ये लिखा गया था उसी समय इसका इसकी उपादेयता नहीं थी, अपितु आज के संदर्भ में भी इनकी उतनी ही उपादेयता है। तो इसी संदर्भ के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगी कि कालिदास ने जो लिखा था अपने समय में वो आज के संदर्भ में भी किस प्रकार से अगर हम उसको अपनाएँ या उस पर हम कार्य करें तो सफलता किस प्रकार से मिल सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रघुवंश महाकाव्य रघुवंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र के विषय में चर्चा करता है, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताता है। तो उनमें सबसे पहले जो राजा थे वो राजा दिलीप थे। ये आप जानते हैं कि रघुवंश राम के वंश के बारे में है, तो उनमें सबसे जो पहले राजा उत्पन्न हुए वो राजा थे राजा दिलीप। तो राजा दिलीप के संबंध में जब हम उनके गुणों का वर्णन पढ़ते हैं कि राजा दिलीप का चरित्र कैसा था, तो यदि हम उसको ध्यान से देखें तो जो चारित्रिक विशेषताएं राजा दिलीप की थी, जिस कारण से उनके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि से रहती थी, यही विशेषताएं आज भी उतनी ही अनिवार्य हैं। क्योंकि यदि हम वो विशेषताएँ अपने अंदर नहीं लाएंगे, यदि हमारे नेतागण उन विशेषताओं से युक्त हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की समस्याएं बहुत हद तक अपने आप सुलझ जाएंगी। तो उनमें से कुछ के विषय में मैं पहले बता चुकी हूं और अब मैं आपके सामने जो श्लोक जिसके विषय में बताने जा रही हूं, उस श्लोक में बताया गया है कि राजा दिलीप, यद्यपि उनके पास बहुत बड़ी सेना भी थी, लेकिन आपको भी मालूम है कि जब तक हमें उस कला का ज्ञान ना हो तब तक हम किसी से भी वो काम नहीं करवा सकते। तो राजा दिलीप के विषय में कहा, सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम् शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धिर् मौर्वी धनुषी च आतता। अब ऐसा है कि राजा दिलीप का जो सेना है, जो उसकी फौज है, वो बहुत अधिक थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल अपनी सेना पर निर्भर थे।
वो इतने योद्धा थे, कुशल योद्धा थे कि सेना परिच्छद, परिच्छद का अर्थ होता है केवल अलंकरण मात्र। अलंकरण का मतलब है कि सजावट की चीज़, कि सेना है हमारे पास इतनी सुंदर, इतने चतुरंगिणी सेना है, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, लेकिन उन सेना से वो उस तरह से काम इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वो स्वयं ही एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो इसलिए कहा कि सेना तस्य परिच्छदा, तस्य उनकी सेना परिच्छदा अलंकरण मात्र थी, और द्वयम एव अर्थ साधनम, और द्वयम एव दो ही वस्तुएं ऐसी थी जो अर्थ, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, प्रयोजन को साधन में सिद्ध करती थी। प्रयोजन सिद्ध करना मीन्स यदि अगर शत्रु का भय हो, शत्रु आक्रमण करता है तो किस प्रकार से उसके आक्रमण से अपने आप को बचाना है, शत्रु को किस तरह से हराना है, यहाँ पर उसके विषय में कहा कि जो काम सेना करती थी वो सेना से नहीं लेकर उनमें अपने अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो स्वयं ही उनसे मुकाबला कर लेते थे। और उसमें कहा कि वो दो क्या थे जिनके द्वारा वो शत्रुओं का नाश करते थे, शत्रुओं से पर विजय प्राप्त करते थे, वो थे शास्त्रेश्वकुंठिता बुद्धि, कि शास्त्रों में अकुंठित, अकुंठित का मतलब होता है कभी असफल ना होने वाली बुद्धि, और दूसरी बात धनुषी च, च मीन्स और आतता, आतता मीन्स फैली हुई, चढ़ी हुई, और किस पर, धनुषी, धनुष पर चढ़ी हुई मौरवी, मौरवी का अर्थ होता है प्रत्यंच। देखिए जब हम युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो तभी धनुष पर बाण उसको डोरी को चढ़ाया जाता है, तो राजा दिलीप हर समय अपने प्रत्यंचा, अपने धनुष पर तैनात रखते थे, और साथ में वो उनको शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान था, तो इसी शास्त्र ज्ञान के सहारे, अपनी बुद्धि के सहारे, और इस धनुष पर विस्तृत जो मौरवी थी, जो प्रत्यंचा थी, उसके सहारे वो अपने शत्रुओं को जीत लेते थे। इसका मतलब है कि उन्हें सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्य वो करते थे वो बड़ी सोच सूझबूझ से करते थे, सोच समझ कर करते थे। पहले तो वो अपनी बुद्धि का इस तरह से प्रयोग करते थे कि शत्रु उन पर आक्रमण करने का सोच भी नहीं सकते थे, और यदि सोच भी लेते थे तो वो इतने कुशल योद्धा थे कि उन्हें सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, वो अपने धनुष बाण का प्रयोग करके ही उस सेना पर आक्रमण करके अपने राज्य को सुरक्षित कर सकते थे। तो ये है राजा दिलीप के संबंध में एक बहुत बड़ी विशेषता कि वो अपने सारे जितने भी शत्रु हैं उनको बिना सेना की सहायता के ही अपने से दूर रखते थे। तो यहाँ मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये विशेषता उस समय राजा दिलीप के विषय में कालिदास ने बताई है, लेकिन आज के संदर्भ में भी हम सबको जितने भी उच्च पद पर हैं, जो हमारे सेनापति हैं, जो सेना नायक हैं, उन सबको भी इसी तरह से सतर्क रहना चाहिए। केवल मात्र सेना को ही धकेल देना या सेना पर ही आश्रित रहना ये उचित नहीं है, सफलता इनसे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें व्याकरण संबंधी टिप्पणियाँ जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि जब तक हम श्लोक के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको व्याख्या नहीं कर सकते, उस श्लोक के भाव को नहीं समझा सकते, और जब तक हमें व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं होगा कि इस श्लोक में इस शब्द को किस तरह से बनाया गया है, रचना कैसे हुई है, तब तक हम किसी प्रकार के अर्थ पर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए इस श्लोक में जो पहला शब्द है वो है परिच्छदा, और परिच्छदा के विषय में हमने बताया कि परिच्छद का अर्थ है दिखावा या अलंकरण। अलंकरण अर्थात जैसे हमारे पास राजाओं के पास छत्र, चामर इत्यादि हुआ करते थे अलंकरण, वैसे ही उनमें से एक इनकी सेना भी थी। तो परिच्छद शब्द का अगर हम कहें कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, व्याकरण की दृष्टि से कैसे बना, तो परिच्छाद्यते अनेन इति, इसमें परि उपसर्ग है और छादी, जिसको छाद छाद है, ई का लोप हो जाता है, तो छाद धातु है, और इसमें पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण सूत्र द्वारा घ प्रत्यय होता है, और उसके बाद जब घ प्रत्यय लगता है तो छाद धातु की जो उपधा है उसको ह्रस्व हो जाता है। तो इस प्रकार से जो परि में री का ई है और फिर उसके बाद छ है, तो इसलिए छे च सूत्र द्वारा फिर ई को त
तुक आगम हो जाता है, और जब तुक आगम होता है तो त के बाद छ है, तो हमने संधि में पढ़ा था स्तोष चुना शु, इसका अर्थ है कि तवर्ग का योग यदि चवर्ग से होता है तो तवर्ग के स्थान पर भी चवर्ग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ त के स्थान पर च हो गया और हमारे पास बन गया परिच्छदः। तो इसी प्रकार से इसमें एक पद का प्रयोग हुआ अर्थ साधनम। अब समास करके कालिदास ने यहाँ अर्थ साधनम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है अर्थस्य साधनम। अर्थस्य साधनम यहाँ पर तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि अर्थस्य में षष्ठी विभक्ति है। और उसके बाद शब्द है अकुंठिता। अब अकुंठिता का अगर हम विग्रह करें तो इसका होगा न कुंठिता, और न कुंठिता यहाँ पर नए का न है, और नए सूत्र द्वारा, नए सूत्र है जो कि समास करता है, और नए नए का कुंठित के साथ तत्पुरुष समास होता है। और फिर ये क्योंकि ये अकुंठिता शब्द बुद्धि का विशेषण है, इसलिए स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के कारण इसमें टाप प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है चातता। अब चातता शब्द जो है च प्लस आतता, इन दोनों में च के अ और आतता के अ, इन दोनों में संधि होकर बनता है और चातता बनता है, लेकिन इसमें च अलग है और आतता अलग है। और आतता शब्द जो है आ उपसर्ग पूर्वक तन धातु से त प्रत्यय लगकर बनता है, और ये मौरवी का विशेषण है, तो इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग होना चाहिए, और इसलिए स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर ये रूप बनता है। तो अगला श्लोक जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, बहुत ही एक आवश्यक है, जो कि सभी के लिए आवश्यक है, कि हमें अपनी जो गुप्त बातें हैं, गुप्त मंत्रणाएं हैं, उनको हमेशा हर एक के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, जिससे हमें लाभ की बजाय हम उसमें हानि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो श्लोक है, कालिदास ने दिलीप के विषय में कहा, तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। अब यहाँ कहा कि तस्य, यहाँ पे दिलीप के लिए आया है, राजा दिलीप के लिए, तो तस्य मीन्स उनके, उसके, और संवृत मंत्र से विशेषण है दिलीप का। तो कैसे थे दिलीप? संवृत मंत्र से। मंत्र का अर्थ होता है जो भी हम अपने राज्य में, अपने देश में जो मंत्रियों के बीच में गुप्त मंत्रणाएं करते हैं, उसको हम मंत्र कहते हैं। और संवृत मीन्स उनको गुप्त रखना, तो अपनी जितनी भी गुप्त बातचीत है उसको संवृत, संवृत मीन्स गुप्त रखने वाले, ये किसके लिए आया है? राजा दिलीप के लिए। दूसरा उनके बारे में आया गूढ़ आकार इंगितस्य, इसका अर्थ है कि आकार, आकार मीन्स जो हमारी आकृति है, जो हम बाहर से दिखते हैं, और इंगित का अर्थ होता है जो हमारा हाव भाव है, जो हम हमारे आँखों इत्यादि के द्वारा जो प्रकट होता है उसको हम कहते हैं इंगित। तो यहाँ पे गूढ़, तो इन दोनों को भी गुप्त रखने वाले। तो मतलब कहने का कि कालिदास न केवल अपनी मंत्रणाओं को गुप्त रखते थे, अपितु अपनी आकृति और इंगित से भी, अपने हाव भाव से भी उनके ये प्रकट नहीं होता था कि ये इनके मन में इस समय क्या है, वो आगे क्या करने वाले हैं। और तब पता कैसे चलता था कि कालिदास ने कोई कुछ सोचा हुआ है, दिलीप ने, सॉरी, राजा दिलीप ने कुछ सोचा हुआ है, इसका ज्ञान फिर कैसे होता था? तो उसके लिए कहा कि प्राक्तना संस्कारा इव। प्राक्तना अर्थ होता है पूर्व जन्म के, तो पूर्व जन्म के संस्कारा इव, संस्कारों के समान प्रारंभा, प्रारंभा में दिलीप के कार्यों का आरंभ, फलानुमेया फल से ही अनुमान किया जाता था। बहुत सुंदर बात कही कि जब अपनी सारी मंत्रणाएं वो गुप्त रखते थे, ना अपनी आकृति से, ना अपने हाव भाव से कुछ भी अगर प्रकट नहीं होने देना चाहते थे, तो फिर हमें कैसे पता चलता था, प्रजा को किस तरह से ये जानकारी होती थी कि दिलीप ने कभी ये काम आरंभ किया था? तो वो कैसे पता चलता था? जब उसका फल सामने आता था। तो कोई भी जो फल है वो बिना आरंभ के नहीं प्राप्त हो सकता, तो जब उस कार्य का, उस योजना का फल सामने आता था, तभी सबको जानकारी मिलती थी
कि अरे राजा दिलीप ने ये कार्य आरंभ किया था। देखिए इसका लाभ एक ये हो जाता है कि कोई भी उसमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। जब हम गुप्त रूप से कोई कार्य करते हैं, योजना बनाते हैं, तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता, अगर किसी को उसकी जानकारी बीच में नहीं होती है तो किसी प्रकार की बाधा वो नहीं पहुंचा पाएगा। अन्यथा बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उस कार्य को पूरा होने नहीं देना चाहते हैं, तो वो कार्य सफल नहीं होने की भी आशंका रहती है। यही सोचकर कालिदास अपने सारे जितने भी राज्य संबंधी, जो भी राज्य की उन्नति संबंधी, राज्य के विधान संबंधी जितने भी अपने योजनाएं थी, उनको गुप्त रखते थे और तभी सामने आती थी जब उनका फल प्राप्त होता था। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कालिदास ने उपमा दी है, तुलना दी है, क्या कि उनके जो काम थे, कार्यों का आरंभ, वो फल द्वारा अनुमित होता था। कैसे? प्राक्तना संस्कारा इव, प्राक्तना में पूर्व जन्म के, संस्कारा में संस्कारों के समान। देखिए हम सब आज अगर हम इस दुनिया में हैं तो हम सब ये मानते हैं कि पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनका हमें फल आज प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए हमें कोई अच्छा फल मिलता है तो हम कहते हैं कि अरे पिछले जन्म में ज़रूर हमने कोई अच्छा काम किया होगा। और यदि हमें कोई बुरा फल प्राप्त होता है, हम बुरा नहीं करते तब भी हमें दुख प्राप्त होता है, तो हमें ये हमारे मन में तुरंत आता है कि नहीं, ज़रूर हमने पिछले जन्म में कुछ खराब काम किया होगा। तो इसी तरह जैसे इन्होंने कहा ना कि वो फल के द्वारा उनके कार्यों का आरंभ माना प्राप्त होता था, तो यहाँ भी कालिदास ने कहा कि जिस तरह से पूर्व जन्म के हमने क्या काम किए थे, पूर्व जन्म के संस्कार जो है वो कैसे थे, इनकी जानकारी किससे होती है, जो इस जन्म में प्राप्त होने वाला फल है। अन्यथा कोई नहीं जान पाता कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था। इसी प्रकार से कालिदास की भी योजनाओं के आरंभ की जानकारी उनसे प्राप्त होने वाले फल से होती है। तो ये यहाँ पे सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि अपनी मंत्रणाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, और तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कि उसका फल सामने ना आ जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सके। अब इस श्लोक के अंदर व्याकरण संबंधी टिप्पणियों की जानकारी दी जाएगी। तो व्याकरण संबंधी टिप्पणियों में सबसे पहला जो शब्द जिसके विषय में व्याकरण संबंधी टिप्पणी जानना आवश्यक है, वो है संवृत्त मंत्रस्य। अब यहाँ संवृत्त मंत्रस्य ये आया है राजा दिलीप के लिए। तो ये आपको पहले समास में बताया गया है कि बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें कि अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पर भी ये संवृत्त मंत्रस्य शब्द अन्य अर्थात राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका विग्रह है संवृतः मंत्रः येन, अर्थात जिसने अपने मंत्रणाओं को संवृत मीन्स गुप्त रखा। तो ऐसे कौन? राजा दिलीप। तो ये संवृत मंत्र शब्द बहुव्रीहि समास करके बनता है, और हमने इसको करना है संवृत मंत्रस्य। तो संवृत मंत्रस्य बनाने के लिए यहाँ पर संवृत मंत्र शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करने पर ही संवृत मंत्रस्य रूप बनता है। अब संवृत मंत्रस्य में एक शब्द है संवृत, तो वो संवृत शब्द कैसे बना? तो उसके लिए सम उपसर्ग और वृत्त धातु है, और इसके साथ क्त प्रत्यय लगकर ये संवृत शब्द बनता है। दूसरा शब्द हमारे सामने है गूढ़ाकार इंगितस्य। इसमें देखिए संधि भी है और समास भी है। इसमें गूढ़ाकार इंगितस्य, सबसे पहले हम गूढ़ाकार शब्द को लेते हैं। इसमें संधि है गूढ़ प्लस आकार। अब गूढ़ का अ और आकार का आ मिलकर दीर्घ संधि होते हैं जिससे बनता है गूढ़ाकार। और फिर गूढ़ाकार उसके बाद इंगितस्य, ये एक और शब्द इसके साथ जुड़ा, तो गूढ़ाकार प्लस इंगितस्य। तो यहाँ पे र के अ और इंगितस्य को ई, इन दोनों को मिलाकर आदगुणा सूत्र हम पढ़ चुके हैं। आदगुणा सूत्र से गुण संधि होती है, अर्थात अ और ई के स्थान पर ए हो जाता है और गूढ़ाकार इंगित रूप बनता है। उसके बाद आदगुणा सूत्र से हमने संधि को कर लिया, और तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, गूढ़ाकार इंगितस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त होता है।
उसके बाद है हमारे पास आकार इंगित। अब आकार इंगित कैसे बनता है, तो ये है आकारश्च इंगितश्च, आकार और हावभाव, हमने यही अर्थ बताया था। तो च अर्थे द्वंद्वः, द्वंद्व समास होता है च के अर्थ में, तो आकार और इंगित का जब समास करते हैं तो आकार इंगिते बनता है, और उसके बाद आकार इंगितस्य षष्ठी विभक्ति में प्रयोग है। अगला शब्द है जिसके विषय में जानना आवश्यक है, फलानुमेया। ये समास हुआ है, फलानुमेया मीन्स फलेन अनुमेया, अर्थात फल के द्वारा जिनका अनुमान किया जा सके। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है और तृतीय विभक्ति है फलेन में, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है, और समास करने के बाद संधि करने के बाद शब्द बनता है फलानुमेय। फल और अनुमेय, अ और अ में संधि जब करते हैं दीर्घ संधि, तो फलानुमेय बनता है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में फलानुमेय बनता है। यहाँ पर फलानुमेय शब्द अकारांत है, और अकारांत शब्द में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं और बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास दीर्घ आवाला रूप फलानुमेय बनता है। अब अगला जो श्लोक है जिसके विषय में कहा गया कि कालिदास ने यहाँ पर जो राजा दिलीप के गुणों का वर्णन किया है, वो इसमें ऐसे गुण हैं जिसमें कि सुख सुविधा वाले, सुख सुविधा की प्राप्ति से संबंधित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो नेता हैं, जो राजा हैं, उन बड़े पद पर आसीन हैं, उनके जीवन में सुख के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये उतना सत्य भी नहीं है और सत्य भी है, क्योंकि यदि हम बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के अगर हम उस सुख का उपभोग करते हैं तो वो सुख हमें मना नहीं है, लेकिन अगर हम सुख केवल अपने स्वार्थ के लिए उपभोग करते हैं तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वार्थ के लिए, ना कि अपनी प्रजा के देखने के लिए अगर हम सुख भोगते हैं तो वह सुख सुख नहीं कहलाता। तो ये बात कालिदास भी जानते थे, राजा दिलीप के अंदर वो गुण विद्यमान थे जिनके विषय में कहा, जुगोपात्मानम अत्रस्तो भेजे धर्मम अनातुरः अग्रिद्नुराददे सोऽर्थम असक्तः सुखम अन्वभूत। यहाँ पे बताया कि जुगोपात्मानम अत्रस्तो, देखिए अब अपने को बचाना, छुप छुप कर रहना, अपनी रक्षा करना, इसको हम यदि कहें तो हम ये मान सकते हैं कि ये तो बड़ा डरपोक व्यक्ति है। तो राजा दिलीप के बारे में ये कहा कि वो अपनी सुरक्षा करते थे, अपने आप को बचा कर रखते थे, तो ये जो है इसमें कोई बुराई नहीं है। एक राजा है और राजा के अनेकों शत्रु हो सकते हैं, इसलिए अपनी रक्षा करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो अपनी रक्षा करेंगे तभी तो वो प्रजा की रक्षा या देश की रक्षा कर सकेंगे। तो इसलिए कहा कि वो राजा दिलीप अपनी रक्षा करते थे, लेकिन अगर ये रक्षा भय से की जाती है, डर के कारण की जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन राजा दिलीप अत्रस्तो, अत्रस्तो मीन्स बिना भय के, मतलब उनको अपने प्राण चले जाएंगे या मुझे कोई मार देगा, ये भय नहीं था, अपितु ये था कि अगर मैं रहूँगा तो मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ कर पाऊँगा, ये सोचकर वो अपनी सुरक्षा करते थे। इसी प्रकार से भेजे धर्मम अनातुरः, अब यहाँ पे अनातुरा, अनातुरा मीन्स तकलीफ में होना, मतलब यहाँ वैसे अनातुरा शब्द का जो अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो रोगी होना, तो यहाँ पे रोगी का अर्थ है चाहे शारीरिक दृष्टि से हो चाहे मानसिक दृष्टि से हो, जब वो कष्ट में होता है तब मनुष्य धर्म का सेवन करता है। ये तो सामान्य रूप से माना जाता है कि हम भगवान को याद करते हैं, हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, कब करते हैं, अधिकांशतः हम तभी करते हैं जब हम पर मुसीबत आती है या मानसिक दृष्टि से हम दुखी होते हैं या कोई परेशानी होती है, तो तब हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ दिलीप के गुणों में ये बताया गया कि वो धर्म का सेवन करते थे, धर्मम भेजे, धर्म का सेवन करते थे, लेकिन अनातुरा, अनातुरा का मतलब ये नहीं कि वो रोगी हैं, शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अगर तकलीफ में है तो तभी धर्म का पालन करते थे, नहीं, बिना रोगी स्वस्थ रहते हुए भी वो हमेशा धर्म का आचरण करते थे। अब धर्म शब्द का अर्थ है कि अच्छे कार्य करना, किसी का बुरा ना करना, तो ये उनके स्वभाव में था। इसी प्रकार आगे कहा अग्रिद्नु राददे सो अर्थम,
और वो ससो, सो मीन्स वह राजा दिलीप, अर्थम आदते, अर्थम का मतलब होता है धन। देखिए अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं, अभी पिछले वाले श्लोक में हमने पढ़ा अर्थ का अर्थ है प्रयोजन और यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ है धन। तो यहाँ पे अर्थम आददे, आददे मीन्स लेते थे, स्वीकार करते थे, और कैसे अग्रिद्नु, अग्रिद्नु मीन्स बिना लालची हुए। देखिए धन इकट्ठा करना, हम उसको एक कंजूस की संज्ञा दे देते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ता है, इकट्ठा करता है, ये तो कंजूस है। लेकिन अगर उस धन को हम बिना लालच के, अब अपने लालच से, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने को चीज़ें प्राप्त कराने के लिए अगर हम धन इकट्ठा करते जाएंगे तो वो तो एक तरह से क्या होगा, वो तो एक अच्छाई नहीं बुराई होगी। लेकिन यदि कोई धन इकट्ठा करता है स्वयं के लालच में नहीं, अपितु अपने प्रजा के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा गुण हो जाता है। तो राजा दिलीप भी धन इकट्ठा तो करते थे लेकिन अग्रिद्नु बिना लालची होकर इकट्ठा करते थे और बिना आसक्ति के वो सुख का अनुभव करते थे। ये हैं राजा दिलीप की कुछ विशेषताएं जो कि आज के संदर्भ में भी उतनी ही उपादेय होती हैं। राजा दिलीप के विषय में एक बहुत अच्छी विशेषता ये थी कि वो सुख का अनुभव तो करते थे। देखिए अब सुख का अनुभव करना भी एक स्वार्थ हो जाता है कि अरे सुख सुविधा में रहना है, अच्छे अच्छे कमरे, एसी रूम्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। लेकिन यहाँ पे एक बात जो कि गीता में भी कही गई है कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है हमें उसका भोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब है कि अरे ये नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, मैं इसके बिना मैं कैसे रहूँगा। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, सुख मिल रहा है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आसक्ति जब हो जाती है तब क्या होता है कि जब वो प्राप्त नहीं होता है तो तब व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए अच्छे बुरे सभी साधनों का प्रयोग करने से भी चूकता नहीं है, बुरे काम भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी बात को देखते हुए, क्योंकि राजा दिलीप शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, इसलिए वो सुख जो उनको प्राप्त हुआ था राजा होने के कारण, उस सुख का अनुभव तो करते थे लेकिन असक्ता, असक्ता मीन्स बिना आसक्ति के। ये नहीं कि वो नहीं मिलेगा तो वो उसके बिना जी नहीं पाएंगे, अनासक्त भाव से जो प्राप्त हुआ उस सुख का वो करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी राजा दिलीप के चरित्र की। अब इसमें व्याकरण संबंधी कुछ शब्द हैं जिन पर टिप्पणी जानना आवश्यक है। तो उसमें जो पहला शब्द है वह जुगोपात्मानम त्रस्तो। देखिए अगर आप इनको व्याकरण की दृष्टि से अलग नहीं कर पाएंगे तो अर्थ का जो ज्ञान है, जो सामान्य जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जो 12वीं तक भी नहीं पढ़े 10वीं तक संस्कृत पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए कठिन हो जाता है कि इनमें शब्द कौन से हैं। क्योंकि अगर इकट्ठा जो जुड़ा हुआ शब्द है उसमें ऐसे शब्द मिलते हैं, मतलब पता नहीं चलते, हम निकाल नहीं पाते जिनमें से काफ़ी शब्द हिंदी जैसे होते हैं। तो इसलिए व्याकरण संबंधी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक इतना बड़ा शब्द है जिसको अगर मैं अलग करती हूँ तो उसमें देखिए कितने शब्द निकलते हैं। जुगोप एक शब्द अलग हो गया, आत्मानम अलग हो गया और अत्रस्तो अलग हो गया। तो ये तीन शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है और इसमें संधि की हुई है जुगोप और आत्मानम। अब प का अ और आत्मानम का जो आ है ये दोनों मिलकर इसमें दीर्घ संधि हुई है, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हुई है। और उसके बाद जुगोपात्मानम
अत्रस्तो मिलकर जुगोपात्मानम अत्रस्तो बनता है। तो यहाँ जो इनके अंदर के शब्द हैं, जो जुगोप शब्द है, ये कैसे बना है इसका जानना भी अनिवार्य है। जुगोप शब्द गुप्त धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। लिट लकार वो लकार होता है जो कि परोक्ष भूत के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऐसा भूतकाल जिसके बारे में हमें पता नहीं है कितना पुराना है, कैसा है भूतकाल, तो तब हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है आत्मानम। अब आत्मानम शब्द आत्मन शब्द से बनता है, शब्द रूप है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है। इसी प्रकार इसमें शब्द है अत्रस्तो। अब अत्रस्तो यहाँ समास है, मैंने पहले भी बताया न त्रस्तो करते हैं तो यहाँ पे नए तत्पुरुष समास होता है, और नए तत्पुरुष समास करने से उसके बाद शब्द बन नए का जो न है हलंत न उसका लोप हो जाता है। समास का सूत्र है न लोपो न यहाँ, तो नए के न का जब लोप करते हैं तो अ बचता है, तब हमारे पास शब्द बन जाता है अत्रस्त। तो अब अत्रस्त शब्द बिना विभक्ति के हम कोई शब्द प्रयुक्त नहीं करते हैं, हम पद ही प्रयुक्त करते हैं। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो किस विभक्ति में ये प्रयुक्त है ये देखना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। देखिए यहाँ विभक्तियाँ पाणिनि ने सूत्र दिया है, जो 21 विभक्तियाँ उनके अलग नाम है सु औज सम औस इत्यादि, लेकिन हम हमारे सामने वो रामह रामऊ करके आता है, लेकिन वो सारा जो है वो व्याकरण का जो प्रक्रिया है उसके बाद आता है। तो मूल रूप में जो प्रथमा विभक्ति में हम लगाते हैं वो सु होता है सबसे पहले, और सु के स्थान पर जब रू किया जाता है ससजुषो रू सूत्र द्वारा, और फिर रू के बाद अब ये संधि का सूत्र है कि रू के बाद रू जो है वो अ के बाद है, अत्रस्तो अत्रस्त और सु, उसके बाद हम सु को रू करते हैं, तो अत्रस्त में अ है अंत में, उसके बाद हमारे पास रू है, तो हमारे पास सूत्र है हशीच, जिससे हम रू के स्थान पर ऊ कर देते हैं, और जब हम ऊ करते हैं तो फिर त्रस्त के अ और ऊ को मिलाकर हमारे पास क्या हो जाता है अत्रस्तो। तो ये रूप मिल गुण संधि होकर ये रूप बनता है। इसी प्रकार से एक शब्द या एक पद कहेंगे जिसका प्रयोग किया है कालिदास ने भेजे। अब भेजे जो है ये भज धातु से बनता है, और ये भी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और अगला शब्द है हमारे पास धर्मम अनातुरः। तो यहाँ पे धर्मम अनातुरः इसमें है धर्मम और अनातुरः, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो बनता है धर्मम अनातुरः। तो यहाँ पे इस अनातुरः शब्द भी जो है वो नए समास से बनता है, और इसका विग्रह होता है न आतुरः अनातुरः। तो यहाँ पे नए के न का जब हम लोप करते हैं तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे पास रहता है अ आतुरः। तो यहाँ पर जो हमारे पास अ बचा है उसके बाद स्वर है, तो जब हमारे पास स्वर पड़ जाता है तो हम उसको तस्माद नुट अची सूत्र द्वारा हम अ जो है उसके परे न जोड़ते हैं, नुट आगम करते हैं, आगम मतलब साथ में जुड़ जाता है, और नुट मतलब ऊ और ट इत संज्ञा होने के कारण वो लुप्त हो जाते हैं और हमारे पास क्या बच जाता है न। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास अ के बाद न जोड़कर और अन आतुरः और जुड़ने के बाद अनातुरः बनता है। इसी प्रकार एक शब्द है अग्रिद्नुराददे। अब अग्रिद्नुराददे में अग्रिद्नु अग्रिद्नुर और आददे ये दो शब्द हैं, और अग्रिद्नु भी हमारे पास बना है नए समास करके, न ग्रिद्नु नए समास है, और उसमें आददे जो है उसमें आ धातु आ उपसर्ग दा धातु लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करके बनती है। उसके बाद हमारे पास शब्द है सो अर्थम असक्ता। तो यहाँ पे सो अर्थम असक्ता, यहाँ पे सो अर्थम, तो स और हमारे पास सु विभक्ति, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु लगता है, तो जब मैं इसको विच्छेद करूँगी तो इसको करूँगी स सु और अर्थम सो अर्थम बनता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से सु के स्थान पर स स जुषो रू से रू करते हैं, और उसी प्रकार जैसे मैंने पिछली उसमें बताया कि रू को हशी च से ऊ कर देते हैं क्योंकि अ के बाद रू है और उसके बाद भी अ है,
तो यहाँ पे हसी च की अपेक्षा यहाँ पे अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र लगेगा, यहाँ हसी च नहीं लगेगा अपितु अतो रोर अप्लुताद अप्लुते लगेगा, क्योंकि स का अ और अर्थम का अ दोनों ही अ हैं और उ को रू, इसमें रू को उ हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको अ और उ को मिलाकर जब गुण संधि करेंगे तो सो बन जाएगा, और सो प्लस अर्थम यहाँ एक और संधि होगी। अब वो संधि क्या है? पररूप संधि, और वो है एंगा पदा पूर्व रूप संधि एंगा पदांतात अति। इसका अर्थ है कि पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, एंग मीन्स ए या ओ, और उसके बाद ह्रस्व ओ हो तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप मतलब ओ और अ इन दोनों के स्थान पर एक रूप ओ रह जाता है, तो हमारे पास सोर्थम बनता है, और सोर्थम जो है ये हमारे पास पूर्व रूप संधि होकर बनता है। और हमारे पास ये शब्द है असक्ता। अब असक्ता में भी न सक्ता इस प्रकार विग्रह होता है और तत्पुरुष समास करते हैं, और ये जो सक्ता शब्द है ये संज धातु है और उससे क्त प्रत्यय लगकर बनता है। और एक शब्द हमारे पास है सुखम अन्वभूत, तो यहाँ पे सुखम अन्वभूत इसको अगर हम अलग करते हैं, विग्रह करते हैं या विच्छेद करते हैं, तो सुखम एक शब्द बनता है और अन्वभूत में अनु प्लस अभूत ये एक विच्छेद होता है। तो यहाँ पे अन्वभूत में अनु उपसर्ग है और अभूत बनाने के लिए यहाँ भू धातु है और लुंग लकार है। लुंग लकार भी हमारा भूतकाल के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, और लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हमारे पास अभूत बनता है। अब अगला श्लोक है जिसमें कालिदास के विषय कालिदास ने राजा दिलीप के ऐसे कुछ गुण बताए हैं जो कि आपस में विरोधी हैं, जो कि एक यदि है तो दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन राजा दिलीप एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के ऐसे महान राजा थे कि इनके अंदर वो विरोधी गुण भी आपस में मिलकर रहते थे। तो वो श्लोक है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। अब देखिए कालिदास में ने दिलीप में क्या क्या गुण बताए, उसमें पहला बोला ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर मौन रहना, शक्तौ क्षमा, शक्ति होने पर क्षमा करना, त्यागे त्याग अर्थात दान देने पर श्लाघा विपर्य, श्लाघा मीन्स होता है आत्म प्रशंसा, विपर्य मीन्स प्रशंसा का विपरीत अर्थात प्रशंसा ना करवाना। तो देखिए ये वास्तव में छह गुण हैं, ज्ञान होने पर चुप रहना, तो ज्ञान एक बहुत बड़ा गुण है, चुप रहना मौन भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, और शक्तौ शक्ति होना एक बहुत बड़ा गुण है, और शक्ति के बाद क्षमा भी एक गुण है, इसी प्रकार दान देने की प्रवृत्ति भी एक बहुत बड़ा गुण है, और अपनी प्रशंसा ना करवाना भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो यदि हम देखें तो ये जो गुण है ये विपरीत गुण है आपस में, ये मैं अभी बताती हूँ आपको, लेकिन इसके बाद जो अगली पंक्ति है उसमें कहा गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य, तस्य मीन्स उस राजा दिलीप के गुणा, गुणा यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो उन गुणों के लिए आएगा ज्ञान शक्ति और त्याग, ये गुण गुण अनुबंधित्वात्, गुण यहाँ दूसरा गुण जो शब्द है वो दूसरे गुणों के बारे में आया है, मौन क्षमा और प्रशंसा ना करवाना, इनके साथ संबंधित होने के कारण ज्ञान शक्ति और त्याग ये जो गुण है, ये मौन क्षमा और प्रशंसा ना करवाना इन गुणों के साथ संबंध बनाकर रहते थे, इस कारण से वो सप्रसवा इव, वो सप्रसव, सप्रसव होता है जिनके एक साथ उत्पत्ति हो एक ही माँ से, अर्थात सगे प्रसव मीन्स भाई, तो सगे भाइयों जैसे थे। ये बहुत ही सुंदर बात कही कालिदास ने, उन्होंने कहा कि ज्ञान होना, राजा दिलीप में ज्ञान था लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ज़रा सा भी ज्ञान हो जाए तो वो चुप नहीं बैठता, वो अवश्य चाहता है कि मैं इस अपने ज्ञान का बखान करूं, लेकिन कालिदास ज्ञान होते हुए भी कह रहे हैं कि दिलीप जो हैं वो क्या थे, मौन थे, वो अपने
ज्ञान का बखान नहीं करते थे, जहाँ आवश्यकता होती थी तभी ज्ञान का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से यदि किसी के पास शक्ति आ जाए तो वो क्षमा करे, नहीं उसने मुझे एक मारा है तो मैं जब तक उसके बदले उसको दो ना मार लूँ उसको चैन नहीं आएगा, ये सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन राजा दिलीप शक्तिशाली थे लेकिन फिर भी उनके अंदर क्षमाशीलता गुण था। इसी प्रकार से दान देना और प्रशंसा ना करवाना, ये दोनों बिल्कुल विरोधी हैं। अगर कोई एक छोटा सा पंखा भी किसी मंदिर के कमरे में लगा देता है तो वो भी 10 बार अपना नाम माइक पर अपना अनाउंस करवाता है, लेकिन कालिदास कह रहे हैं कि राजा दिलीप खूब दान देते थे लेकिन कभी भी उनके मन में ये इच्छा नहीं होती थी कि वो आत्म प्रशंसा करवाएं। तो इसका मतलब है कि ये जो उनके अंदर ज्ञान और शक्ति और त्याग, ये जो गुण हैं ये गुण थे, और जो इनके विरोधी गुण हैं वो भी राजा दिलीप में थे। तो ये सामान्य मनुष्यों में नहीं होता कि ज्ञान हो, मौन हो, शक्ति हो तो क्षमा भी हो, त्याग हो तो श्लाघा विपर्यय भी हो, लेकिन एकमात्र राजा दिलीप ऐसे थे जिनके अंदर ये गुण आपस में मिलकर रहते थे। क्योंकि दोनों में क्योंकि शत्रुता थी, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रह सकता, लेकिन राजा दिलीप में ये सारे के सारे गुण मिलकर रहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वो गुण ऐसे रहते थे जैसे कि आपस में कोई सगे भाई हों। जिस तरह से सगे भाइयों में कम झगड़ा लड़ाई होता है, सब मिलकर जहाँ क्षमा की आवश्यकता है क्षमा अपना काम करती थी, जहाँ शक्ति की आवश्यकता है शक्ति प्रदर्शन होता था, तो ये जो एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो कि व्यक्ति के अंदर विरोधी माने जाते हैं आपस में, वो भी गुण कालिदास कह रहे हैं कि दिलीप के अंदर विद्यमान थे। तो हमें परोक्ष रूप में सबके लिए शिक्षा है कि अगर हमें ज्ञान हो जाए तो ज्ञान के कारण हमें ऐसा नहीं है कि हम जहाँ मर्जी चाहें हम कुछ भी बोल दें, तो हमें अपना जो अपने बोली है अपने मुख पर भी नियंत्रण आवश्यक है। इसी तरह शक्ति अगर आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमें शक्ति प्राप्त है हम कुछ भी कर सकते हैं, तो नहीं करना चाहिए। और दान दीजिए लेकिन ऐसा दीजिए कि इस हाथ दीजिए तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। तो ये थे राजा दिलीप के कुछ और गुण। अब इसमें व्याकरण संबंधी टिप्पणियाँ कुछ हैं। उसमें पहला जो शब्द है वो है श्लाघा विपर्यय। अब श्लाघा विपर्यय का अर्थ है कि श्लाघाया विपर्यय, श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा, और प्रशंसा का विपर्यय, विपर्यय मीन्स विपरीत। अब प्रशंसा का विपरीत मीन्स प्रशंसा ना करवाना। तो यहाँ पे श्लाघाया विपर्यय में तत्पुरुष समास है और वो है षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद शब्द है गुणानुबंधित्वात्तस्य। ये एक बड़ा शब्द है, तो इसमें गुणानुबंधित्वम पहले तो ये हम करेंगे। तो गुणानुबंधित्व इसके अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ है गुणई अनुबंधित्व, अर्थात गुणों के साथ अनुबंधित्व। अनुबंधित्व मीन्स संबंध। तो ये तृतीय तत्पुरुष है क्योंकि गुण ही में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो सबसे पहले हमने तृतीय तत्पुरुष समास किया और हमारा जो है बना गुण अनुबंधित्व। अब गुण अनुबंधित्व में, गुण में जो ण का अ है और अनुबंधित्व में अ है, दोनों मिलके यहाँ दीर्घ संधि हो गए तो बन गया गुणानुबंधित्व। अब गुणानुबंधित्व बना तो ये दीर्घ संधि हुई है और हमें करना है गुणानुबंधित्वात्। तो गुणानुबंधित्वात जो है वो पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। उसके बाद हमारे साथ पास शब्द है सप्रसवाह। सप्रसवाह में सह प्रसवो ये शाम ते, अर्थात जिनका जिनकी उत्पत्ति एक ही साथ हुई है, एक ही से हुई है, उसको कहते हैं सप्रसव। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ये सप्रसवा किसके लिए आया है? ये प्रसवा आया है गुणों के लिए कि जो उसके गुण थे वो सप्रसव जैसे थे, अर्थात लग रहा था कि जैसे एक ही से उत्पन्न होते मिलकर रहते हैं वैसे ही गुण मिलकर रहते थे। तो यहाँ बहुव्रीहि समास करने के बाद सप्रसव, सह को स हो जाता है और सप्रसव शब्द बनता है और फिर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सप्रसवा बनता है। अब हमारे पास अगला जो श्लोक है वो है अनाकृष्टस्य विषयैर् विद्यानां पारदृष्वनः तस्य धर्मरते रासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अब देखिए
कालिदास, क्योंकि शास्त्र ज्ञाता भी थे, राजा दिलीप जो कि रघुवंश में उत्पन्न हुए थे उनके विषय में कहा गया कि उनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। तो यहाँ पे उस दिलीप के उस शास्त्र ज्ञान के आधार पर उनके जो गुण हैं उनको बताया जा रहा है कि अनाकृष्टस्य विषयी, विषयों से आकर्षित ना होने वाले, और विद्या नाम पारदृश्वना, विद्याओं का पारदृश्वना मीन्स पार देखने वाले अर्थात विद्याओं के पारदर्शी। तस्य तस्य मीन्स उस राजा दिलीप के लिए आया है, लेकिन उससे पहले एक और शब्द है धर्मरते। धर्मरते मीन्स धर्म में रुचि रखने वाले। तस्य तस्य मीन्स उस राजा दिलीप में जरसा बिना, जरसा हम कहते हैं आयु जो वृद्ध अवस्था, बूढ़े मतलब चार अवस्थाओं में से जो अंतिम अवस्था है वो वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था के बिना ही वृद्धत्वम, वृद्ध कहलाने वाले, तो धर्म में रुचि रखने वाले उस राजा दिलीप में आयु वृद्ध हुए बिना ही वृद्धता थी, ये बताए गए हैं राजा दिलीप के अंदर कुछ और गुण। और उन एक एक गुण को हम स्पष्ट करेंगे। पहला गुण बताया कि राजा दिलीप विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे। तो विषय क्या है हमारे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जो हमारे सांसारिक विषय हैं, देखने की चीज़ें, सुनने की चीज़ें और गंध की चीज़ें, उसके बाद खाने की चीज़ें, स्वाद की, इन सब में वो अनाकृष्ट से आकृष्ट नहीं होते थे। मतलब जो हमारे शास्त्रों में, हमारे गीता उपनिषद में जो कहा, जिसके लिए बार बार प्रयत्न करने के लिए कहा गया है कि मनुष्य को विषयों के प्रति अपनी इंद्रियों में जो आसक्ति है उसको दूर करना है। यदि हम अपनी इंद्रियों को विषयों से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम जीवन में कोई कार्य करने में सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में भटकते रहेंगे। तो ये बात राजा दिलीप जानते थे, इसलिए उनको तो इतने विषय भोग प्राप्त थे, लेकिन फिर भी वो विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे। और विद्या नाम पारदृश्वना, और समस्त विद्याओं का के पारदर्शी थे। मतलब ये नहीं कि शास्त्र केवल पढ़ लिए, नहीं, शास्त्र पढ़ने के बाद उनके तत्व, उनके गहन अध्ययन में भी वो बहुत ही रुचि रखते थे। और धर्म रहते, और धर्म में उनकी बहुत रुचि थी। धर्म मीन्स जो भी कर्तव्य हैं अपने जो करने चाहिए एक राजा के लिए, वो उनकी रुचि उन्हीं को करने में थी। और ये जो गुण हैं, जो अगर हम इन गुणों को देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये वृद्धावस्था में ही आते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तभी विषयों में आसक्ति भी कम होती जाती है, और विद्या भी इतना ज्ञान है कि वो बूढ़े होते तक, वृद्ध होने तक ही हम उसको पारदर्शिता प्राप्त कर सकते हैं, और धर्म में रुचि भी तभी आती है। परंतु राजा दिलीप में ये युवावस्था में ही थे, तो यही कहा कि अवस्था में, आयु में, यदि वर्षों में वो वृद्ध नहीं थे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो युवा होते हुए भी वृद्ध थे, उनके अंदर ये सारे गुण विद्यमान थे। तो इसमें अब व्याकरण संबंधी कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे विषयैर विद्यानाम। अब विषयैर, विषयी में विषय शब्द है, और इसमें भिस, अब ये जो है विभक्ति जो है तृतीया विभक्ति, एक वचन में भिस होता है जिसको हम एस कर देते हैं, और अतो भित ऐसे हम यहाँ पे संधि करके विषयस बनता है और विद्या नाम। अब ये स जो है स के स्थान पर रू करके और विसर्ग करके विषयैर विद्या नाम हमारे पास रूप बनता है। और फिर एक शब्द है अनाकृष्टस्य, ये अनाकृष्टस्य मैंने पहले भी जो है न आकृष्टस्य जो इसका संधि इसका जो विच्छेद होगा उसके अतिरिक्त अनुसार यहाँ नए तत्पुरुष है, और न इसमें नुट आगम होकर और अनाकृष्ट रूप बनता है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। इसी प्रकार से एक शब्द है पारदृश्वना। अब पारदृश्वना का अर्थ है पारम दृश्वा, अर्थात जिसने पार देख लिया है, और ये द्वितीय तत्पुरुष समास है, और दृश धातु से क्वनिक प्रत्यय लग के दृश्वन शब्द बनता है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है। और उसके बाद तस्य शब्द, तत्शब्द से षष्ठी लगा है। और धर्मरते रासीत में धर्मरते, सबसे पहले धर्मरते मीन्स धर्मे रति यस्य, जिसकी रति, जिसकी जो क्या कहते हैं रुचि धर्म में थी, ये राजा दिलीप के लिए आया है, और बहुव्रीहि समास है। और फिर धर्मरते षष्ठी विभक्ति एक वचन लगकर बनता है।
इस तरह से एक शब्द है जरसा विना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि विना के योग में जरसा में तृतीया विभक्ति बनी का प्रयोग हुआ है और वृद्धत्वम शब्द वृद्ध शब्द से त्व प्रत्यय लगकर बना है। अब और जो है राजा दिलीप की विशेषताओं के विषय में बताया, प्रजा नाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा। बहुत ही अच्छी विशेषताएं हैं, आज के युग में बहुत ही आवश्यक विशेषताएं हैं कि एक नेता एक राजा को अपनी प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपको पद प्राप्त हो गया तो प्रजा कैसे है, प्रसन्न है या नहीं है, प्रजा की क्या आवश्यकता है, उसकी ओर ध्यान ना देना, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। और राजा दिलीप के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं था। क्या है राजा दिलीप के गुणों के विषय में जब बताया तो कहा कि प्रजा नाम विनय आधानात्, प्रजा में विनम्रता का आधान करने के कारण, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, और भरणात् और उनका पोषण पालन पोषण करने के कारण, स समी स्वय राजा दिलीप, तासाम पिता उनके पिता थे, और पितरह जो पिता थे उनके जो वास्तविक रूप में जिन्होंने जन्म दिया है जो जन्मदाता पिता थे, केवलम जन्म हेतवा केवल जन्म में ही हेतु थे, केवल जन्म देने के कारण ही वो पिता थे। देखिए कितनी आवश्यक बात है कि प्रजा को विनय सिखाना। हम बात करते हैं विदेशों में कि जो मैनर्स, विनय मतलब मैनर्स सिखाना, तो यहाँ पे जो है जनता के अंदर एक ऐसी भावना आना कि ये देश मेरा है, इस देश में हमें किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से उसकी स्वच्छता इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा विनम्रता की बात होती है, विनय है। तो यहाँ राजा का काम है कि अपनी प्रजा को विनम्रता की शिक्षा दे, जैसे भी हो नियम बना के दे, जैसे भी हो। तो राजा दिलीप ये जानते थे, इसलिए प्रजा में विनय का आधान, विनय जो है सिखाना, वो राजा दिलीप ही करते थे। और दूसरा इसके अतिरिक्त प्रजा की रक्षा करना, ये काम भी राजा का होता है, उनकी सिक्योरिटी, प्रजा को किसी प्रकार के शत्रुओं से या किसी से कोई नुकसान ना हो, किसी का भय ना हो, और भरणात् और उनका पालन पोषण करना। अब ये नहीं कि कोई जो निर्धन है बेचारा, उसके घर में दो वक्त की रोटी भी नहीं है, और यहाँ पे पता ही नहीं है हमारे राज्य के नेताओं को, अगर पता ही नहीं कि कहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, भूख से मर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। उनके भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो भी राजा दिलीप के ऊपर थी। वो सबका ध्यान रखते थे कि सबको एक एक दो समय का तीन समय का भोजन तो प्राप्त हो। तो ये काम कौन करते हैं, पिता। ये पिता का काम होता है अपने बच्चों को अच्छी तमीज सिखाना, उनके रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना, लेकिन ये सारे काम राजा दिलीप करते थे। इसलिए कहा कि राजा दिलीप ही अपनी प्रजाओं के लिए पिता थे। तो फिर पिता का क्या काम हुआ, तो कहते हैं नहीं, पिता का बस इतना ही काम था कि उन्होंने उनको जन्म दिया था, तो जन्म देने के कारण तो वो उनके पिता थे, लेकिन वास्तविक रूप से जो एक पिता के सारे काम हैं वो राजा दिलीप ही करते थे। तो इसका मतलब है कि अगर एक देश ने उन्नति करनी है तो उनका पालन पोषण, उनकी रक्षा और उनके जीवन के संबंध में जितने भी जो उनको अच्छी बातें सिखाना है, अगर राजा के ऊपर अपने ये उत्तरदायित्व आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उस देश की प्रजा को किसी भी प्रकार से कष्ट होगा, तकलीफ होगी, सभी इसीलिए उसके राज्य में खुशहाल थे। तो यहाँ कुछ व्याकरण संबंधी शब्द हैं जिनके विषय में बताना आवश्यक है, वो है विनयाधानात्। तो विनयस्य आधानम, विनयाधान बनता है षष्ठी तत्पुरुष समास, और फिर विनय और आधान में जब हम संधि करते हैं तो विनयाधान ये बन जाता है हमारा शब्द, और पंचमी विभक्ति एक वचन में विनयाधान धानात् बनता है। इसी प्रकार से रक्षणात्, रक्ष धातु से ल्युट प्रत्यय लग के रक्षण शब्द बनता है, और पंचमी विभक्ति लगाने पर रक्षणात् बनता है। भरणात् भी इसी प्रकार से भ्री धातु से ल्युट प्रत्यय लग के भरण बनता है, और पंचमी विभक्ति लगा के और अपि के साथ जोड़कर भरणादपि बनता है। और फिर एक शब्द है पितरस्तासाम, पितरह और तासाम विसर्जन, विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह सूत्र द्वारा स होकर पितरस तासाम बनता है। और जन्म हेतवा, यहाँ समास है जन्मनी हेतवा, मतलब जन्म देने में ही वो हेतु थे, बाकी उनका कोई कार्य नहीं था। तो इस प्रकार से हमने कुछ राजा दिलीप की जो विशेषताएं देखी,
मुझे लगता है कि उन विशेषताओं को सुनकर पढ़कर हमें ये जानकारी हो गई कि इस यही कारण था कि उस देश में आज भी रघुवंश राजाओं का नाम लिया जाता है, वहाँ के देश की खुशहाली, उनकी प्रजाओं के जो सुख समृद्धि का ध्यान रखा जाता था उसको आज भी याद किया जाता है। और यही इसकी रेलेवेंस है कि आज के युग में भी यदि हम इन गुणों को अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश में भी या अन्य देशों में भी जो समस्याएं हैं उनका बहुत हद तक समाधान हो सकता है। इसी साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया को। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।